गया है। एक और सर्वे हमारे सामने आ गया राजस्थान के लिए। आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आया है और इस एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलने का अनुमान है। और देखिए इसमें लगातार बीजेपी को बढ़त और कांग्रेस के, आप देखिए कांग्रेस को जितनी ज्यादा सीटें मिल रही हैं अलग अलग एग्जिट पोल में, आप देखिए 86 से 106 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस अगर 100 के आंकड़े को पार करती है तो क्या बीजेपी कम में सिमटेगी? और ये आज तक एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल है और जी राजस्थान आपको ये महा एग्जिट पोल बता रहा है, जहां तमाम एग्जिट पोल से एक औसत निकालकर आपके सामने महा एग्जिट पोल रखा जाएगा और बताया जाएगा कि राजस्थान में बीजेपी आगे या कांग्रेस आगे। बीकानेर से मेरे सहयोगी रौनक व्यास उड़ गए हैं, सीधे रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, इस वक्त कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलने का अनुमान आज तक और ये जो एक्सिस माय इंडिया है इनका सर्वे बता रहा है, आपको क्या लगता है इस सर्वे के आसपास रहने की संभावना है कांग्रेस की या नहीं, इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? आपका ग्राउंड जीरो का जो हाल है वो क्या कहता है ये बताइए। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कई तरह के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए, लगातार हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि देखिए अलग अलग एग्जिट पोल्स अलग अलग नतीजे सामने लेकर के आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे एग्जिट पोल्स में आप देखिए बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जो ये नए वाले एग्जिट पोल की आपने बात की, कांग्रेस को 106 तक की सीटें आने का अनुमान जो लगाया है, हालांकि देखिए इंतजार करना होगा 3 तारीख का, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के खेमे में खुशी है, बहुत सारे नेता मेरे साथ मौजूद है, मैं बातचीत करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ सर क्या कहेंगे। देखिए एक नया सर्वे आया, क्या कहा जा रहा है कि 86 से लेकर 106 सीटों तक कांग्रेस जो है बढ़त बना रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी में इस बात को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए ये आपके सर्वे सारे फेल हो जाएंगे जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत से 130 के बाहर सीट आएगी भारतीय जनता पार्टी की। जिस ढंग से राजस्थान के अंदर आदरणीय मोदी जी ने जो प्रचार प्रसार किया, कांग्रेस सरकार की जो विफलताएं थी, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ 5 साल के अंदर, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर झगड़े हुए, जनता ने कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राजस्थान के अंदर शासन में आ रही है। हालांकि देखिए बीजेपी के अपने दावे हैं, कहीं ना कहीं देखिए एग्जिट पोल्स के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं खुशी जाहिर की है, लेकिन जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं इंतजार करना होगा 3 तारीख का। हालांकि देखिए बीकानेर की सीटों की मैं बात करूं, 7 सीटें हैं, 7 में से 5 पर बढ़त बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही। हालांकि देखिए जो लगातार सर्वे हम लोग भी कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही। हालांकि 3 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन खुशी का माहौल है, देखता रहता हूं साथ बीजेपी में खुशी का माहौल है मान रहे, लेकिन अभी अभी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का ये बयान भी सामने आया है कि एग्जिट पोल जो है उन्हें पूरी तरह से हम सही नहीं मान सकते, जबकि एग्जिट पोल ये बता रहे कि बीजेपी जीत रहे। ऐसे में वहां मौजूद लोगों का क्या कहना है?